आइए, कैसे हैं आप लोग? सब कहाँ से हैं? सब आप लोग सब कहाँ से हैं? टाइप कर सकते हो, आप टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में तो मुझे दिखेगा सर। ईशान, ओके, एक ही जन है ईशान से, बाकी लोग बाहर से हैं, कहीं और से आए क्या? टाइप करो भाई, टाइप करो, शर्माओ मत। उलेमा जी ने टाइप किया हिसाब, ओके। मुस्कान जी हैं, चलिए कोई बात नहीं, अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम है अपने पास। तो ये सब स्टूडेंट्स, सुमन जी आप ऑन रहिएगा, ये सब स्टूडेंट्स जो हैं अपने पास में साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट जी हैं? तो हाँ जी अभी ये कौन से लेवल में है साइकोलॉजी में? सर, कुछ सर ऑलमोस्ट फाइनल ईयर है, बीएससी फाइनल, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर या मास्टर्स फाइनल ईयर। ओके तो जी इनके ये मेरे बारे में थोड़ा बता दीजिए आप, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, आई रिक्वेस्ट कि मेरे पास वर्ड्स कम ही रह जाएंगे आपके बारे में इंट्रोड्यूस कराने के। जी फिर भी बताइए, मालूम तो होना चाहिए ना किससे बात कर रहे हैं लोग। हाँ जी सर, मतलब मैंने पहले क्लास में बताया तो मेरे पास अभी ऐसे जितना है, बेसिक इंट्रोडक्शन है इनके पास, बट वर्ड्स कम ही रहते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो चलिए कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट की आप थोड़ा सा। जी चलिए तो मैं अपने तरीके से शुरू करता हूँ, और जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो टाइप कर देना, मैं उसको जवाब दे दूंगा। अभी मेरा नाम जैसे प्रदीप अग्रवाल है, मैडम ने आपको बता ही दिया है, और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। 1972 से हिप्नोसिस कर रहा हूँ, 91 से मैं NLP कर रहा हूँ और माइंड प्रोग्रामिंग की टेक्निक करता हूँ, और स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा काम किया है मैंने। और अभी भी मैंने एक नया दो एक टेक्निक मैंने अभी डेवलप करी है, इसका नाम है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, वो ट्रेडमार्क कोर्स है हमारा। और एक अभी नया नया अभी भी लॉन्च हो रहा है, हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन, जिसका भी ट्रेडमार्क है। और मैं नॉर्मली सबकॉन्शियस माइंड में काम करता हूँ। अभी मैं आप लोगों से थोड़ी बात करता हूँ, पर आपको टाइप कीजिएगा, जवाब दीजिएगा मेरे को, कि आप लोग सब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में? अगर जानते हैं तो टाइप कीजिए यस। सब लोग टाइप करें, अगर आप लोग टाइप नहीं करेंगे हाँ यस, और जो नहीं जानते हैं नो भी टाइप कर दिए, यस यस यस। ओके, दो जन का यस आया, 12 में से 11 में से दो लोगों का आया। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, हाँ यस यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये साइकोलॉजी में हम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ चीजें आज अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, और वो कैसे काम करती है। जैसे हम लोग बोलते, कई लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड भी, और एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट अ सबकॉन्शियस माइंड। पूछिए कैसे, टाइप करो, पूछोगे तब जवाब दूंगा, तो जवाब नहीं दूंगा मैं। अच्छा, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, ये बता दीजिए। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ, इनफैक्ट मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। चलो बोथ लैंग्वेज मेक्स मेक्स मोर कंफर्टेबल रहेगा। वेरी गुड, तो हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश, वेरी गुड। तो हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। एक चीज बताइए मुझे कि सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे हम बोलते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, तो कौन बड़ा होता है? इंस्पेक्टर बड़ा होता है कि सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है? टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। इंस्पेक्टर बड़ा होता है कि सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है? इंस्पेक्टर, करेक्ट। उलेमा जी पूरा इंटरव्यू लेके टाइप कर रही हैं, सबसे जल्दी यही सीखेंगी और सबसे बढ़िया यही सीखेंगी, सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी को मिलेगा, जो टाइप करेगा उनको मिलेगा। ओके, अब बोलिए जियो, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है या सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है? जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं वो बड़ा है? टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, जिसे मुझे पता चलता रहे। सबकॉन्शियस इज अ रॉन्ग नेम, सबकॉन्शियस माइंड इज अ रॉन्ग नेम, इट इज एक्चुअली अ सुपर कॉन्शियस माइंड। लेकिन हम अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम सबकॉन्शियस माइंड वर्ड यूज करेंगे, अनकॉन्शियस माइंड यूज करेंगे, लेकिन अपने दिमाग में रखेंगे। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में, आप लोगों को डिफरेंस पता है क्या है दोनों के अंदर, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में? फिर मैं बताऊंगा अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस। चलिए मैं बात करता हूँ, चलो हम एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप कर देते हैं इसको। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे,
कि सुबह में मॉर्निंग में आप लोग कितने भी उठते हो, टाइप करो। सुबह में मॉर्निंग में कितने भी उठते हो, टाइप करो। टाइप व्हाट टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग, 6 7 ओके, बाकी लोग 7 7 6 ओके, 7 7 मतलब स्टूडेंट्स हो बोल के 6 7 में अटके हुए वहां, कोई बात नहीं। एक दिन हम लेते कि एवरेज टाइम 7 बजे का है, एक दिन हमें सुबह जल्दी उठना है 5 बजे, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर सुमन 5 बजे उठती है, आपके लिए नहीं है क्वेश्चन ही मैडम। तो ये कितने अलार्म लगाते हैं, वेरी गुड। अब कितनों के साथ ये हुआ कि आपने अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, और ठीक 5 बजने के कुछ सेकंड पहले टक से अपनी आंख खुल गई, कितनों के साथ हुआ? टाइप कीजिए मी, मी, वेरी गुड, मी 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 मी, सबके साथ हुआ। तो आप तो सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, सपने देख रहे थे, अनकॉन्शियस थे, और खर्राटे भी भर रहे थे, तो किसने जगाया? टाइप करो, किसने जगाया? टाइप करो, टाइप करो, किसने जगाया? और अम्मा जी सबसे पहले टाइप करती है, सबकॉन्शियस ने, वेरी गुड वेरी गुड। सबकॉन्शियस माइंड अगर सुबह आपको 5 बजे उठ सक उठा सकता है, तो अंदाज करो वो आपके लिए क्या कर सकता है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, आप एक रात फिर आपने अलार्म लगाई 5 बजे की, और फिर आपके यहाँ खुली 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, और फाइनली 7:30 बजे, ये भी हुआ? टाइप कीजिए मी, यस सर। तो सबकॉन्शियस माइंड सुबह 5 बजे उठाता है, तो रात भर किसने जगाया? रात भर किसने जगाया? रात भर किसने जगाया, ये टाइप करो। पहला तो सबकॉन्शियस माइंड सबने बोल दिया, इसमें बताओ किसने जगाया, किसने जगा के रखा? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 4:45 बजे भी? कॉन्शियस माइंड, नो, नॉट कॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को जगा होना पड़ेगा जगाने के लिए, तो आप तो सो रहे थे। योर सबकॉन्शियस माइंड ओनली, यस, वलेमा जी ने ठीक जवाब दिया, थैंक यू वलेमा जी। सबकॉन्शियस माइंड ने ही जगाया आपको, लेकिन क्यों? इट इज अ रॉन्ग प्रोग्रामिंग, ये है रॉन्ग प्रोग्रामिंग। अब रॉन्ग प्रोग्रामिंग क्या है? हम सोने से पहले 5 बजे का अलार्म तो लगा लिया, लेकिन कई बार हमने ये भी बोला मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबकॉन्शियस माइंड चीज लेता है लिटरली, सबकॉन्शियस माइंड को अर्ली इन द मॉर्निंग का पता नहीं मालूम, 12 बजे के बाद में मॉर्निंग शुरू हो गई, AM शुरू हो गया, रात भर जगाता है। तो हमने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर दिया, मॉर्निंग और 5 के बीच में तो रात भर जगा के रखा। बस ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस माइंड लेता है लिटरली, कोई भी चीज हम बोलते हैं सबकॉन्शियस लिटरली लेता है, कॉन्शियस माइंड करता है एनालाइज। अब छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने 1972 में हिप्नोसिस सीखना शुरू किया, जब मैं अपने कॉलेज में गया, ये बात होगी मेरे ख्याल से 75 की, 76 की है, नो हाँ 1975 की बात होगी। तो मेरा भी एक दोस्त था, उसको भी हिप्नोसिस में इंटरेस्ट था, जब कॉलेज से पास हुए तो उसका गोल था बहुत पैसा कमाने का, तो उसने टेक्निक तो उसमें कुछ अवेलेबल था नहीं, तो उसने विजुलाइजेशन की किताब पढ़ ली थी, तो रोज विजुलाइज करता था, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, और ड्रीम्स में भी, काउंटिंग लॉट ऑफ मनी, काउंटिंग लॉट ऑफ मनी। फाइनली उसको जॉब मिला बैंक में एज अ कैशियर, काउंटिंग अदर पीपुल्स मनी। अब बताइए कहाँ गलती हो गई उससे? प्रीति जी को समझ में आ रहा, हंस रही है, बताइए क्या गलती हो गई? और बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज, टाइप कीजिए कहाँ गलती हो गई। कहाँ गलती हो गई, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। सबसे पहले ओले मैजिक आएगा, ओले मैजिक टाइप कीजिए फटाफट। रॉन्ग कमांड टू द माइंड, वो तो ठीक है, लेकिन रॉन्ग कमांड क्या थी ये तो बताइए। रॉन्ग कमांड तो थी तभी तभी ऐसा हुआ ना, नहीं तो अपना पैसा काउंट करते। अदर्स मनी, ही नेवर सेड माई मनी, सबकॉन्शियस माइंड टेक थिंग लिटरली, वो पैसा काम काउंट करना है, लगा दो ऐसे काम में जहां पैसा काउंट करेगा।
तो उसने ये स्पेसिफिकली नहीं बोला कि मैं अपना पैसा काउंट करूंगा, काउंट करूंगा बोला, तो काउंट करने का काम मिल गया। ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस माइंड इज अ माइंड वेयर ही डज नॉट एनालाइज एनीथिंग, एनालाइज कुछ नहीं करता, जो बोलोगे लिटरली लेता है, लिटरली लेता है। इसमें मैं आऊंगा फिर बाद में, याद दिलाएगा मुझे। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, सबकॉन्शियस माइंड में होती है परमानेंट मेमोरी, कॉन्शियस माइंड में होती है टेम्पररी मेमोरी। अभी मुझे बताइए, कितनों के साथ ये हुआ कि आप ने किसी से मिले थे 10 दिन 15 दिन पहले, कहीं पार्टी में कहीं मिले थे, और आपने काफी बढ़िया डिस्कशन भी किया था और प्रॉमिस किया था कॉल बैक करेंगे, और 15 दिन बाद आज सडनली उसके बारे में सोचने लग जाते हो आप, और जैसे उसके बारे में सोचने लग जाते हो आपको सब कुछ याद है, कहाँ मिले थे, किसके साथ मिले थे, और क्या बातें की थी, और देखने में कैसे थे वो, लेकिन उनका नाम याद नहीं आ रहा। जितना कोशिश करते हैं नाम याद करने का नहीं आता, बोलते हैं यहाँ पे जवान पे है, यहाँ पे है, नहीं आ रहा है, और फिर 10 15 मिनट तक तो खूब कोशिश करते हो, नाम नहीं आता, और जैसे ही नाम को याद करना छोड़ देते हो 5 से 7 मिनट के अंदर खटक से नाम आ जाता है। ये कितनों के साथ हुआ, टाइप कीजिए मी, सबके साथ होता। तो नाम कहाँ था, कहाँ नाम था, नाम कहाँ पे स्टोर था, टाइप कीजिए, नाम कहाँ स्टोर था, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, नाम कहाँ स्टोर था, सबकॉन्शियस माइंड में, वेरी गुड। नाम था सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर, और हम याद कर रहे थे कॉन्शियसली, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में होती है परमानेंट मेमोरी, कॉन्शियस माइंड में होती है टेम्पररी मेमोरी। अब उसमें क्यों नहीं मिली, मिली नहीं आपको, जब आप नाम पूछ रहे थे, ध्यान रखिए, जब आप कॉन्शियसली ट्राई कर रहे थे, जब ज्यादा ट्राई करते हो तो आप होते हो स्ट्रेस में, जब स्ट्रेस में होते हो तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का बीच में एक ब्लॉक आ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड को नाम तो दे दिया, बता भाई नाम बता क्या नाम है, लेकिन उसको मौका कहाँ दिया, बार बार पूछ रहे हो आप नाम क्या नाम क्या है, उसको काम करने दिया कहाँ आपने, लेकिन जैसे ही आपने स्टॉप कर दिया उसके बारे में सोचना, सबकॉन्शियस माइंड को नाम मिल गया और टक से आपको दे दिया। और आप नोटिस करो, एग्जामिनेशन के टाइम भी होता है, पूरी तैयारी कर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जब बैठते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता, और जैसे ही बाहर निकलते हैं पूरे याद आ जाते हैं, हुआ सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ 2 3 बार हुआ, सुमन जी का मुझे पता नहीं कितनी बार हुआ, मेरे पास 2 3 बार हुआ है। ओके, तो एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है कि सबकॉन्शियस माइंड में है परमानेंट मेमोरी, कॉन्शियस माइंड में है टेम्पररी मेमोरी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। अब तीसरी चीज में आते हैं, वो है ऑल इमोशंस जितने भी अपने हैं वो है सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड, इमोशंस आर इन सबकॉन्शियस माइंड, जब भी हम इमोशनल होते हैं सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली टेक ओवर योर कॉन्शियस माइंड, एनालाइजिंग पार्ट ऑफ योर माइंड। तो एक चीज ध्यान रखिए, आप थेरेपी करेंगे बाद में, साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, तो ये इमोशन होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। नंबर 4, सबकॉन्शियस माइंड इज ए ऑटोमेटिक पायलट, जो चीज प्रोग्राम हो गई वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अब मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कितने लोग यहाँ पे ये कार या स्कूटी चलाते हैं, स्कूटर कार चलाते हैं ना, सब लोग चलाते हैं, हैं? तो कितना, जैसे हमने टाइम किया 7 बजे का उठने का, हम डिसाइड करते हैं 9 बजे का टाइम है अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस फैक्ट्री कहीं भी जाने का टाइम है, कितनों के साथ ये हुआ कि 9 बजे ठीक निकले, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो कार हो, गाड़ी में बैठे और रवाना हुए, माइंड रास्ते में कुछ और सोच रहा है, अरे भाई आज ये काम करना है, ये पेपर डालने हैं, ये चीज करनी है, ये तैयारी करनी है, कंटिन्यूअसली माइंड में कल क्या हुआ था, कल क्या करना है, चल रहा था। ओनली वेन यू रीच द पार्किंग लॉट ऑफ योर वर्क प्लेस यू फाइंड दैट यू हैव रीच्ड, आपको ये भी पता नहीं रास्ते में क्या हुआ, सामने गाड़ी आई, ब्रेक भी लग गए, रेड लाइट थी लग गई, आप करेक्ट रास्ते से आ गए, क्योंकि आपका माइंड कहीं और था। तो बताइए कितनों के साथ ऐसा हुआ, टाइप कीजिए मी, टाइप कीजिए मी, सबके साथ हुआ। तो भैया एक बताइए, आपका माइंड तो कहीं और था, गाड़ी कौन चला रहा था, अब तो सब लड़कियां बैठी है, मेरी वर्षा में जब जो लड़के बैठते हैं बोलते हैं वक्त रिमोट कंट्रोल इन माई वाइफ्स हैंड, अब यहाँ तो लड़कियों को बोल नहीं सकते हम, ये बात है, तो ध्यान से सुनिए,
सबकॉन्शियस माइंड इज ऑटोमेटिक पायलट। एक बार जो प्रोग्राम हो गया वो ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस हो गया, और सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल एवरीथिंग, इवन फिजिकल आल्सो। अभी आप लोग जो बैठे हो, मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप गर्दन हिलाओगे। अगर आप सोच के गर्दन हिलाओगे तो बहुत सारे नर्व को हिलाना पड़ेगा, हिलाने में वो टाइम लग जाएगी। सब ऑटोमेटिक है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को, जो आपके काम में आएगा। अब ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। कोई चीज को हम रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम करते हैं तो वो प्रोग्राम हो जाता है। कुछ हम अपने बारे में बार बार बोलते हैं एक ही चीज को, वो प्रोग्राम हो जाती है। अथॉरिटी फिगर कुछ बोलता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, सीधा प्रोग्राम हो जाता है। रोल मॉडलिंग, आप किसी को लाइक करते हो और उसकी हैबिट्स एंड स्टाइल आप ऑटोमेटिकली सब काम आते हैं, कॉपी कर लेते हो आप। जब आप इमोशनल होते हो, उस समय कोई थॉट आ गया, मोस्टली आपके पास ये काम का आएगा। जब आप इमोशनल होते हो, कोई नेगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट आ गया दिमाग में, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है और प्रोग्राम हो जाता है। कॉन्शियस माइंड को उसको पता भी नहीं होता और उसको अभी याद भी नहीं रहता, लेकिन उसका इफेक्ट होने लग जाता है। तो इस ढंग से प्रोग्राम होता है, नंबर ऑफ वे से। फिर हम हिप्नोसिस से, NLP से और हमारी अलग अलग टेक्निक है, उससे हम भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है जो आप लोगों के काम में आएगी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मैंने अभी एक कोर्स बनाया जिसका नाम है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन। अब सबके पास में मोबाइल होगा, मोबाइल है सबके पास में ना, जो मोबाइल से बात कर रहे होंगे। अब यंग जितनी लड़कियां हैं, और मेरे में और डॉक्टर सुमन में और आप लोगों में इतना फर्क होगा कि हमारे पास भी मोबाइल है, लेकिन हमको क्या आता है मोबाइल में यूज करना? क्या आता है यूज करना? मैसेज भेजना, कॉल करना, व्हाट्सएप कॉल करना, वीडियो निकाल लेना, वीडियो भेज देना, फॉरवर्ड कर देना, PDF भेज देना, इतना ही आता है। लेकिन हर मोबाइल के अंदर में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। अब जो ज्यादा टेक्निकल है, टेक से भी है, उनको पता है, वो ज्यादा जानते हैं, हम कम जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मोबाइल में वो फैसिलिटीज नहीं है जो आपके मोबाइल में भी है, हमको यूज करना नहीं आता। सेम चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। जब हम पैदा हुए तो भगवान ने हमें बहुत सारे पावर दिए, लेकिन हमको यूज करना नहीं आता, तो गलती अपनी है कि भगवान की है? अपनी गलती है। तो जब हमारा हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन जो टेक्निक है, उसमें हम अपने पावर को इंस्टेंटली एक्टिवेट करते हैं। इसके बारे में बाद में बताएंगे, कुछ छोटी चीजें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बचपन से अपन ने किया प्रोग्राम हो गया, सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली प्रोग्राम कब से होता है पता है आपको? जब आप पैदा होते हैं, जिस समय बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो सबसे पहले उसको रुलाया जाता है, और रुलाने के बाद में उसको दूध पिलाया जाता है। इसके बच्चे के माइंड में प्रोग्राम हो गया, रोऊंगा तो दूध मिलेगा, जितनी बार रोएगा दूध मिलेगा। जब 3-4 महीने का हो जाता है, मम्मी डैडी को बचाने लग जाता है, लेटा हुआ है, कोई गोद में नहीं ले रहा उसको, और जैसे ही रोएगा मम्मी गोद में ले ली, वो चुप हो जाएगा। अब उसको प्रोग्रामिंग होगी कि मुझे जो चीज चाहिए मैं रोऊंगा तो मुझे मिल जाएगी। देखिए कब से प्रोग्रामिंग सुनूंगी। तो ये प्रोग्रामिंग अपने बचपन से है, हर चीज प्रोग्राम होती है। और मोस्टली नेगेटिव प्रोग्रामिंग या पॉजिटिव प्रोग्रामिंग जो भी होती है, अपनी 10 साल की उम्र के पहले हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके काम में आएगा, ध्यान से सुनिए। मेरी हिप्नोसिस की वर्कशॉप में एक टेक्निक है जिसमें हम उनको बोलते हैं, हीलिंग की टेक्निक है, उसमें गाइडेड मेडिटेशन, उसमें हम बोलते हैं डू यू नीड टू फॉरगिव समवन। तो कई बार मेरी वर्कशॉप में ऐसा हुआ है, 55-60 साल के बुजुर्ग आके बोलते हैं, सर जब आपने बोला नीड टू फॉरगिव समवन, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि मुझे मेरे, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था स्कूल में, जब मैं 5 साल का था, पहली क्लास में था, 5 साल का था, उसमें जो लड़का मेरे साथ बैठा था उसका चेहरा याद आया, उसका मैंने 40 साल से सोचा ही नहीं, उससे क्या कनेक्शन हो सकता है इसका, फॉरगिवनेस का? मैं उनसे पूछता हूँ, भाई कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ, बच्चे के साथ? सोच बोलता, हाँ सर हुआ था। बोला क्या हुआ? सर वो मेरा टिफिन खा गया था। अब छोटा बच्चा 5 साल का, लंच टाइम के पहले जब अपना, जब लंच का टाइम होता, भूख लग रही होती है, टिफिन खोलता है, वो खाली दिखे तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो वो एक नेगेटिव मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हुई। ध्यान से सुनिए,
नेगेटिव मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गई, उस मेमोरी के साथ में इमोशन जुड़ गया। तो बोला उसका अब क्या कनेक्शन है, बोला अब कैसा फील किया, बोला बहुत खराब फील हुआ था उस समय, तो आपको क्या फील हुआ था, चीटिंग हो गई। अब ये इमोशन की मेरे साथ चीटिंग हुई, इसकी नेगेटिव मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई उस मेमोरी के साथ, कोई बात नहीं। अब एक जब वो 5 साल का था, जब वो 12-15 साल का था हुआ, तब एक बार फिर कोई चीटिंग की हुई, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी फीलिंग वहां थी। लेकिन होता क्या है, ध्यान से सुनिए, जैसे ही वो फीलिंग एक्टिवेट हुई, वो पुरानी मेमोरी को भी एक्टिवेट कर देता है और वो हो जाता है स्ट्रांग। फिर 25 साल की उम्र में हुई, अब ये लेयर बनते जा रहे हैं। देखिए स्टार्ट कहाँ से हुई, बचपन में 5 साल की उम्र में। तो जब तक उस मेमोरी से उस इमोशन को निकाला नहीं जाएगा, ये सारी हो जाती है। और होता क्या है, धीरे धीरे लेयर बनते जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, 40-45 के होने के बाद में लोगों को डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, क्योंकि पहले तो हैंडल करते थे, क्योंकि लेयर बनते बनते वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको हैंडल नहीं कर पाते। तब आदमी डिप्रेशन में आता है, तब एंग्जाइटी में आता है, तब आदमी सुसाइडल टेंडेंसी में आता है, दवाइयां लेना शुरू कर देता है। क्योंकि शुरू में वो हल्की थी तो हैंडल कर ली, अब वो हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाती है और मेमोरी बढ़ती जाती है, इमोशन बढ़ते जाते हैं, वो भरते जाता है, वो बोलते हैं घड़ा भरते जा रहा है, वो होता है। अब ये मेमोरी काम कैसे करती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जो भी नेगेटिव मेमोरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। और हर मेमोरी के साथ में जिसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है वो ज्यादा एक्टिव है। अब ध्यान से सुनिए, मेमोरी का क्या होता है, जब बच्चे थे अपन तो उस टाइम की मेमोरी यहाँ होनी चाहिए, उसके बाद की यहाँ होनी चाहिए, एक एल्बम जैसे होता है। लेकिन होता क्या है, जिस मेमोरी के साथ इमोशन जुड़ा हुआ होता है ना, वो वहां से निकल के आपके सामने आता है और आपको तंग करते रहता है। जब तक उस मेमोरी का इमोशन का इफेक्ट नहीं निकालोगे, वो मेमोरी आपको तंग भी करती रहेगी, उसके इमोशन भी तंग करते रहेंगे, और सारा काम ऑटोमेटिक होता है। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज कराएंगे, आर यू रेडी, टाइप यस। अब टाइप यस, इफ यू आर रेडी टाइप यस। टाइप नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। हाँ यस 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 यस, एक ही आया यस। तो उलेमा जी, मैं आपको पर्सनली अलग से करा दूंगा, बाकी लोगों को तो इंटरेस्ट है नहीं, है ना। हाँ चलो आ रहा, आ रहा, आ रहा, ठीक है। अब आ रहे टाइपर। मैं समझता था हमारे हैदराबाद में लोग लेट रिएक्शन करते हैं, हिसार में भी करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस एक्सरसाइज के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ेगी और ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा एक्सरसाइज का। हम क्या करेंगे, मैं आपको आंख बंद करके बोलूंगा, एक नेगेटिव मेमोरी के बारे में सोचो। नेगेटिव का मतलब स्ट्रांग नहीं, सर ने कुछ बोल दिया हो, मैडम ने कुछ बोल दिया हो, और किसी ने कुछ, छोटी मोटी कोई इरिटेटिंग मेमोरी को सोचना है, छोटी मेमोरी को सोचना है, ध्यान रखिए। हैं अब आंख बंद, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी मेमोरी है, जब वो मेमोरी आपके दिमाग में आ जाए तो यस टाइप कीजिए और फिर आंख बंद कीजिए। जिसे मुझे मालूम पड़ गया सबने एक मेमोरी सेलेक्ट कर ली। कैमरे ऑन नहीं है, जब कैमरों में आप गर्दन लाते तो मुझे मालूम पड़ जाता कैमरे 3 के ऑन। यस वेरी गुड, नाउ क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान से सुनिए, एक मेमोरी के बारे में सोचना है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद कीजिए एंड थिंक अबाउट वन नेगेटिव मेमोरी, जो छोटी मोटी नेगेटिव मेमोरी हुई थी अभी रिसेंटली पास्ट में, उसके बारे में सोचिए। जब उसके बारे में आप सोचते हो तो नोटिस कीजिए वो कहाँ थी, किसके साथ थी और क्या हुआ था, और नोटिस कीजिए कि उसकी पिक्चर कितनी क्लियर है आपके माइंड में। जैसे उसके बारे में आप सोचते हो, नोटिस कीजिए उसमें जो फीलिंग थी वो सेम फीलिंग आपको भी आ रही है। नोटिस कीजिए, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपके इंटरनल डायलॉग भी जो अंदर में बात कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। के बारे में सोचिए और फिर नोटिस कीजिए पिक्चर कितनी क्लियर थी, फीलिंग कैसी आ रही थी बॉडी के अंदर में, ब्रीदिंग भी चेंज हुई, फेशियल भी चेंज हुआ। और अपनी आंखें खोलिए और टाइप कीजिए कि पिक्चर क्लियर थी तो सी टाइप कीजिए, फीलिंग चेंज हुई तो एफ टाइप कीजिए, बॉडी पोस्चर को नोटिस किया होगा तो उसको भी बी टाइप कीजिए, सी एफ बी। क्लियर थी, ओके सी एफ बी, करेक्ट करेक्ट, सबकी थी। अब बताइए ये मेमोरी तो उस दिन थी, लेकिन आप तो आज भी फील कर रहे हो सोच के, क्योंकि इस मेमोरी के साथ में वो इमोशन जुड़ा हुआ है। जितनी बार आप सोचोगे उस मेमोरी के बारे में, उतनी ही बार
आपको ये सेम पैटर्न है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी। इस पैटर्न को अपने को ब्रेक करना सीखना है, बताऊंगा बाद में। ये हो गया। अब आपको मैं फिर से आंख बंद करने बोलूंगा, ध्यान रखिए। वो नेगेटिव सोची थी ना, आप कोई अच्छी मेमोरी सोचेंगे, मान लो कि पार्टी में गए थे, एंजॉय किया, समथिंग विच यू एंजॉय, यू नीड टू पिक अप दैट मेमोरी, वन मेमोरी, क्योंकि सबकॉन्स में भरी पड़ी है, तो आपको एक सेलेक्ट करनी है। जब आप एक सेलेक्ट कर लो, एक अच्छी मेमोरी जहाँ पे आपने पार्टी की हो, एंजॉय किया हो कहीं पे, एक मेमोरी जब सेलेक्ट हो जाए, तो टाइप कीजिए यस या वाई टाइप कीजिए, और फिर आंख बंद कीजिएगा। वाई टाइप करके आंख बंद कीजिएगा, यस यस वेरी गुड, और लोग भी टाइप कीजिए, हो गया, वेरी गुड, आने लगे नंबर, हाँ फंटास्टिक। अब फिर से आंख बंद कीजिए आप लोग, और एक गहरी सांस लीजिए। अब ये पॉजिटिव मेमोरी जो हुई थी, इसके बारे में सोचिए, ये कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रहे थे, कब थी, और जब इसको कर रहे हो सोचे, तो नोटिस कीजिए ये पिक्चर कितनी क्लियर है आपके माइंड में, और जो आप इंजॉय कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, वो सेम फीलिंग आपकी बॉडी में आ जाएगी अभी, और आपका चेहरे का एक्सप्रेशन चलेगा, और बॉडी पोस्चर भी चेंज हो जाएगा, ब्रीदिंग भी चेंज हो जाएगी। नोटिस कीजिए कि वहां पे कैसा फील कर रहे थे, सेम फीलिंग आपको भी आ जाएगी। गुड ना। अब अपनी आंखें ओपन कीजिए और वापस आइए, फिर टाइप कीजिए CFB। ये दूसरे लोगों का जो वॉइस आ रहा है, प्लीज अपना वॉइस बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। CFB है, सबको है। अब मुझे ये बताइए, ये मेमोरी इतनी क्लियर है, कल सुबह हमने क्या ब्रेकफास्ट किया था, वो तो हमें याद रहता नहीं है, अब ये क्यों याद है? यही ये अपना जो म्यूट कर लीजिए, दूसरे लोग, हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इस मेमोरी के साथ में इमोशन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये स्ट्रांग है। लोगों को नेगेटिव मेमोरीज तंग करती है, लोगों को ये कोई ट्रामा हो गया, हमेशा सोचते तंग करती है, क्योंकि उस समय जो हुआ वो सेम मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, और जब वो मेमोरी एक्टिवेट, उसका पैटर्न, उसकी पिक्चर क्लियर होगी, आपके ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी, और आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा, फीलिंग चेंज हो जाएगा, आपका इंटरनल डायलॉग भी चेंज हो जाएगा। इंस्टेंटली होता है, टाइम नहीं लगता। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में टाइम कितना लगा? नेगेटिव से पॉजिटिव आने में टाइम कितना लगा? टाइप करो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, फिर मैं आपको एक मजेदार गिफ्ट देने वाला हूं। आज 5 सेकंड, चेंजेस यू कैन डू इंस्टेंटली। ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस धीरे धीरे नहीं होते, एक झटके से होते हैं। अब आपको मैं एक चीज और कराता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, कभी न कभी कोई ना कोई काम आपने बहुत कॉन्फिडेंस से किया होगा, चाहे वो गाना गाया होगा, डांस किया होगा, पार्टी करी होगी, या पढ़ाई करी होगी, या लेक्चर दिया होगा। पिक वन, पिक वन स्ट्रॉन्ग वन राइट नाउ, एंड व्हेन यू पिक वन, टाइप यस, और टाइप आर, आर मतलब आप रेडी हो, यस, और लोग भी टाइप करें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाला हूं आपको। गुड, थैंक यू। अब करेंगे आंख बंद, आंख करेंगे बंद, एक गहरी सांस लीजिए, आंख बंद कीजिए, और जो आपने पॉजिटिव कॉन्फिडेंट मेमोरी के बारे में सोचा है, जब मैं अपने बारे में बोलता हूँ ना, तो मैं अभी 66 की एज का हूँ, मुझे याद आता है जब मैं 13 साल का दिल्ली में क्रिकेट खेल रहा था, खूब रन बनाए थे, वो मेमोरी याद थी मेरे को। इट कैन बी एनी मेमोरी, पिक वन स्ट्रांग मेमोरी, और जैसे ही स्ट्रांग कर लिया, आंख बंद कीजिए, और उस समय के बारे में सोचिए जब ये हो रहा था, गो बैक टू द टाइम, उस समय में जाइए, पास्ट में जाइए, उस समय में, और नोटिस कीजिए कहाँ थी ये, क्या कर रहे थे आप, कैसा बॉडी में फील कर रहे थे, और जैसी बॉडी में फील करने की बात करोगे, आपके बॉडी में फीलिंग चेंज हो जाएगी, ब्रीदिंग चेंज हो जाएगा, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, आपका इंटरनल डायलॉग भी चेंज हो जाएगा। याद कीजिए कहाँ थी, कब थी, किसके साथ थी, और इमेजिन कीजिए अब इसी समय हो रहा है, और कितना इंजॉय कर रहे थे, कैसा वॉक कर रहे थे, कैसा टॉक कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, फील कीजिए ये बड़ी। और आंखें बंद रखिएगा, खोलिएगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं,
फील कीजिए वंडरफुल फीलिंग मूविंग अप एंड डाउन इन योर बॉडी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दीजिए, इंटेंसिफाई कर दीजिए। अब इस फीलिंग को एक नाम दे दीजिए छोटा सा, जिसको आपको याद रहे, छोटा सा नाम दे दीजिए। ये आपके अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग स्टोर थी, जिसको हमेशा आपको हेल्प किया है इसने, इसको एक नाम दे दीजिए और इस फीलिंग को थैंक यू बोलिए। पार्ट को आपके अंदर एक पार्ट बना हुआ है कॉन्फिडेंस का पार्ट, इसको थैंक यू बोलिए और बोलिए आज के बाद जब कभी भी मुझे कॉन्फिडेंस चाहिएगा, कोई भी सिचुएशन में चाहिएगा, मैं ये नाम मन में रिपीट करूंगी या करूंगा, और जैसे ही मैं करूंगी या करूंगा, इंस्टेंटली आप एक्टिवेट हो जाना और पूरे बॉडी एंड माइंड कंट्रोल पूरा कंट्रोल कर लेना। इंस्टेंटली कंट्रोल माई बॉडी माइंड इमोशन बिहेवियर थॉट्स एंड एक्शन, इंस्टेंटली एक्टिवेट कीजिएगा। और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, मैं जो भी करूंगी वो करूंगा उसमें मैं कॉन्फिडेंट करूंगा। एंड डू इट एवरी टाइम फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद हमेशा करें। और इस फीलिंग को भी थैंक यू बोलिए और अपनी आंख खोलिए, दाएं बाएं देखिए और टाइप कीजिए। अगर आपने नाम दे दिया है तो टाइप कीजिए नेम गिवन, मतलब NG नेम गिवन टाइप कर दिए। नाम मत बताइएगा क्या देना, वो अपना आपका पर्सनल अपने पास रखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड NG 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 वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब ध्यान से सुनिए, हमने एक नाम दे दिया, पहले हमने नेगेटिव करी वो भी एक्टिवेट हो गई थी, पॉजिटिव करी कॉन्फिडेंट, अब हमने इसको कंट्रोल ले लिया। अब फिर से एक बार आंख बंद कीजिए और अपने मन में नाम को रिपीट कीजिए और बोलिए एक्टिवेट राइट नाउ। और जैसे ही आप बोलोगे, यू विल फाइंड द सेम वंडरफुल फीलिंग कम ऑल ओवर योर बॉडी एंड माइंड इंस्टेंटली। एनालाइज मत कीजिए, लेट द सबकॉन्शियस माइंड डू द जॉब। ये मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी, इसको बोलिए, जैसे आप बोलोगे सेम फीलिंग आएगी। कईयों को वाइब्रेशन आती है, कईयों को फीलिंग आती है, इंस्टेंटली कम। अगर फीलिंग स्ट्रांग नहीं है तो बोलो डबल इट, इंटेंसिफाई, मल्टीप्लाई। और जैसे आप बोलो ये फीलिंग इंटेंसिफाई मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर उस पार्ट को बोलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग इट। जहां भी मेरे बॉडी माइंड में थे वहां चले जाइए और आंख खोल के वापस आइए और टाइप कीजिए कि आई गॉट द फीलिंग बैक, आई फेल्ट कॉन्फिडेंस, फेल्ट एफसी एफसी टाइप कीजिए, फेल्ट कॉन्फिडेंट टाइप कीजिए, आंख खोलिए, यस 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 गॉट इट बैक, फैंटास्टिक। अभी हमने किया क्या, ध्यान से सुनिए, हमने पहले किया सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव मेमोरी एक्टिवेट करी, इंस्टेंट एक्टिवेट हुई, फिर हमने पॉजिटिव मेमोरी करी, फिर हमने कॉन्फिडेंस करी। अब कॉन्फिडेंस मेमोरी को हमने नाम दे दिया, अपने बटन हो गया, अब जब कभी भी चाहिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एक और मैजिक करें, आर यू रेडी फॉर वन मोर मैजिक? आप लोग अपनी आंखें बंद करें, फिर से आंखें बंद करें। अब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, क्योंकि सारा काम सबकॉन्शियस माइंड में किया है, सबकॉन्शियस बहुत बढ़िया काम किया। आंखें बंद कीजिए और आंखें खोलेंगे नहीं जब तक मैं ना बोलूं खोलने के लिए, ध्यान रखिएगा। अभी आप सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड थैंक यू वेरी मच, सबकॉन्शियस माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस वंडरफुल थिंग। हमने नेगेटिव मेमोरी एक्टिवेट करी, हमने पॉजिटिव मेमोरी एक्टिवेट, हमने कॉन्फिडेंस का एक बटन भी बना लिया। नाउ सबकॉन्शियस माइंड, आज के बाद जो लोग ये सुन रहे हैं आंख बंद करके, आज के बाद जब कभी भी वो नेगेटिव मेमोरी के बारे में सोचेंगे, लेट दम फील फॉर 3 सेकेंड, 1, 2 एंड 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड के बाद में इंस्टेंटली ये कॉन्फिडेंट फीलिंग को एक्टिवेट कर देना इन सच अ वे कि जो नेगेटिव फीलिंग और पिक्चर गायब हो जाएगी, डल हो जाएगी, और नेगेटिव फीलिंग चली जाएगी और पॉजिटिव फीलिंग उसकी जगह आ जाएगी। डू इट एवरी टाइम फ्रॉम नाउ ऑन, डू इट एवरी टाइम नाउ ऑन सबकॉन्शियस माइंड, डू इट एवरी टाइम फ्रॉम नाउ ऑन। नाउ जिनकी आंखें बंद है, जो पहली नेगेटिव मेमोरी के बारे में सोचे थे ना, उसके बारे में सोचिए, पिक्चर को लाइए दिमाग में, और विद इन 3 सेकेंड मैजिक विल हैपन। आफ्टर 3 सेकेंड सडनली यू विल फाइंड, 1, 2 एंड 3 सेकेंड फाइंड जो मेमोरी थी वो ब्लर होकर गायब होने लगेगी, और उसकी जगह ये पावरफुल कॉन्फिडेंट फीलिंग एक्टिवेट हो जाएगी और नेगेटिव फीलिंग परमानेंटली गायब हो जाएगी। डू इट राइट नाउ। और जैसी ये नेगेटिव फीलिंग गायब हो जाए, आंख खोलिए एंड टाइप यस। यस यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी हमने किया क्या, हमने सबकॉन्शियस माइंड का ऑटोमेशन कर दिया। अब आपका पर्पस क्या है, कोई भी नेगेटिव मेमोरी आए दिमाग में सोचो और सबकॉन्शियस माइंड को बोलो डिलीट परमानेंटली। 3 सेकंड तक आपको वेट कराएगा, 3 सेकंड के बाद में डिलीट कर देगा। अभी छोटी छोटी मेमोरी काम कर रहा है। अब आते हैं हम अपने काम की बातों पे। अभी बताइए मुझे, अभी तक अपन ने जितना किया कैसा लगा आपको, टाइप कीजिए। कितना बढ़िया लगा ये टाइप कीजिए, कितना बढ़िया लगा टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, कितना बढ़िया लगा। आंखें खोलिए, टाइप कीजिए। वो सुमन जी बोल रही है, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। और लोग भी टाइप करो भाई, गुड 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 गुड, टाइप करो, कितना अच्छा लगा, कितना ज्यादा अच्छा लगा। मैस्मराइजिंग, वेरी गुड। मैं हिप्नोटिस्ट हूँ मैडम, मैस्मर नहीं हूँ। बेटर, गुड 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 गुड, वेरी गुड। अभी दोस्तों ध्यान से सुनो, ये मेरी जो एचआरए की टेक्निक है उसका मैंने बेसिक सैंपल दिया आपको। ये जानना है मेमोरीज एंड पार्ट, दो चीज होती है, एक होती है मेमोरीज होती है, एक पार्ट बन जाता है, एक इमोशन है। इमोशन और मेमोरी बन के एक पार्ट बन जाता है, और वो जितनी बार होती है वो स्ट्रांग होते रहता है। अपने पास हजारों पार्ट्स हैं। अब हम हमारी एचआरए की टेक्निक में, जैसे हमने कॉन्फिडेंस के लिए आपको याद दिलाया कि गो बैक टू द टाइम, इसकी जरूरत नहीं है, फिर से आंख बंद कीजिए। अभी आपको मजेदार चीज कराता हूँ, फिर से आंख बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, आंख बंद कीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ आंख बंद कीजिए, मैं जो बोलता हूँ फिर वो सुनिए। नाउ आई एम टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, आपके पास इतने सारे पावरफुल चीजें हैं जिसका हमें याद भी नहीं रहता। मैं चाहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड, अभी आप एक काम करो, अभी एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट करो जिससे जो भी ये सुन रहे हैं आंख बंद करके, दे विल इंस्टेंटली फील वेरी हैप्पी। एक्टिवेट दैट पार्ट राइट नाउ एंड टेक फुल कंट्रोल ऑफ बॉडी माइंड इमोशन बिहेवियर एक्शन एंड थॉट्स। डू इट राइट नाउ, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट अ पार्ट जिससे इंस्टेंटली हैप्पी फील करें और वेरी हैप्पी फील करें, एंड डू इट राइट नाउ एंड टेक फुल कंट्रोल ऑफ द बॉडी माइंड इमोशन बिहेवियर एक्शन एंड थॉट। डू इट राइट नाउ, जैसी आपको फीलिंग आने लगे हैप्पीनेस की, इसको एनालाइज मत कीजिए, लेट द सबकॉन्शियस माइंड डू द जॉब। एनालाइज करोगे तो रुक दोगे, आप काम रुक दोगे, थिंक अबाउट समथिंग एल्स, दिस फीलिंग विल कम ऑटोमेटिकली। और जैसे ही आने लगे, अगर लगे कमजोर है ये, तो बोले मल्टीप्लाइड इंटेंसिफाइड, मल्टीप्लाई कीजिए, उसको भी एक नाम दे दीजिए। नाउ एंजॉय दिस फीलिंग, गिव अ नेम एंड कम बैक, ओपन योर आईज एंड टाइप एच फीलिंग केम, एच एफ सी, हैप्पी फीलिंग केम, एच एफ सी, टाइप कीजिए एच एफ सी, आप खोलिए और टाइप कीजिए एच एफ सी। इस बार तो हमने नहीं बोला गो बैक टू द टाइम व्हेन यू फेल्ट हैप्पी, डायरेक्ट कमांड दिया सबकॉन्शियस माइंड को, तरीके से दिया तो इसका इफेक्ट आया। अब एक चीज बता दूं, मजेदार चीज आपको, अभी आप बैठे हो, जहां भी बैठे हो, खड़े हो, आप कर रहे हो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, हाँ, अभी देखो मैंने ऐसे हाथ रखा, मैंने सोचे रखा कि हाथ नहीं ना, हाँ, रखने की सोचा चले गया हाथ, हम सोचते हैं। अच्छा एक चीज भेजा बताता हूँ, हर जगह लिखा हुआ है साइकोलॉजी बुक्स में कि सबकॉन्शियस माइंड है 90%, कॉन्शियस माइंड है 10%, एवरीथिंग इज रॉन्ग। सबकॉन्शियस माइंड है, ध्यान से सुनना, मैं भी गलत हो सकता हूँ, 99.999%, कॉन्शियस माइंड है 0.001%, क्योंकि जितनी चीजें आपने 3 बार करी सबकॉन्शियस में चला गया, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हम सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड अपने को कंट्रोल कर रहे हैं। एक चीज ध्यान कीजिए, जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीख रहे थे, कार कार फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे बताया जाता था ब्रेक यहाँ पे, एक्सीलेटर यहाँ पे, क्लच यहाँ पे, तो हम नीचे देख के ब्रेक लगा रहे थे। कुछ समय बाद में क्या होता है, हम ब्रेक लगाना है, ऑटोमेटिकली आपका पांव वहां पहुंच जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा हो, आप फ्रंट सीट में बैठे हो, देर इज अ नीड टू अप्लाई ब्रेक, तो क्या होता है, वो ब्रेक बाद में लगाता है, अपन ब्रेक पहले लगा देते हैं, होता है कि नहीं होता है। अब एक चीज और नोटिस करो,
कई बार जब आप गाड़ी चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, सामने कोई आ गया, पहले ब्रेक लगता है, उसके बाद हम सोचते हैं ब्रेक लगाने का, करेक्ट? सब कुछ ऑटोमेटिक है। एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जब मैंने आपको कॉन्फिडेंट फीलिंग के बारे में सोचने बोला था, ध्यान से सुनिए और याद कीजिएगा क्या हुआ। जब मैंने बोला थिंक अबाउट अ कॉन्फिडेंट फीलिंग, जो एक इमेज, जो एक इवेंट के बारे में सोचने बोला था, इवेंट आया था बाद में, लेकिन फीलिंग पहले ही शुरू हो गई थी बॉडी में, आपको याद है? फीलिंग पहले ही शुरू हो गई थी, बाद में आपने उसको याद आया है कि नहीं है? एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे माइंड पे। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी टाइप आ, इफ यू आर रेडी टाइप आ। गुड, एक ने टाइप किया, दो तीन चार, गुड 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 गुड, थैंक यू वेरी मच। अभी एक छोटा सा फन एक्सरसाइज करेंगे अपन। इट इज अ फन एक्सरसाइज टू टेल यू हाउ अवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। तो अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और बॉडी को सा हल्का सा रिलैक्स करें। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें और अब ध्यान से सुनिए। आई एम टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस जूम मीटिंग, जिनकी आंखें बंद है, मैं उनसे बात, उनके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड, यू कंट्रोल एवरीथिंग, फिजिकल एक्शन एंड एवरीथिंग। कॉन्शियसली हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड, मैं चाहता हूं कि आप कॉन्शियस माइंड को बताएं कि यू कंट्रोल एवरीथिंग। तो इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड आपको एक काम करना है, सब पार्टिसन की आंखें बंद है, मैं चाहता हूं कि सबका कॉन्शियस कंट्रोल उनकी आंखों पे से इमीडिएटली हटा दें, एंड यू टेक फुल कंट्रोल ऑफ इट। सबकॉन्शियस माइंड, यू टेक कंट्रोल ऑफ द आईज, आईज आर क्लोज, टेक फुल कंट्रोल ऑफ द आईज, रिमूव द कंट्रोल फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड। अब जो कॉन्शियसली जितने बार भी ये ट्राई करेंगे आंखें खोलने की, दे विल नॉट बी एबल टू ओपन, बिकॉज उनके पास कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल नहीं है। यू कंट्रोल इट सबकॉन्शियस माइंड, डू इट राइट नाउ, टेक फुल कंट्रोल ऑफ द आईज, रिमूव द कंट्रोल फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड। सो हाउ एवर हार्ड दे ट्राई, दे कैनॉट ओपन देर आईज। नाउ पार्टिसिपेंट, ट्राई टू ओपन योर आईज, यू फाइंड यू कैनॉट। द हार्ड यू ट्राई, द मोर डिफिकल्ट बिकम। ट्राई ट्राई बट यू कैनॉट। नाउ हुज सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोलिंग? योर सबकॉन्शियस माइंड। सो आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड, गिव बैक टू कंट्रोल टू यू, सो दैट यू कैन ओपन योर आईज। आस्क सबकॉन्शियस माइंड, गिव मी द कंट्रोल बैक ऑन माई आईज कॉन्शियसली, सो दैट आई कैन ओपन माई आईज एंड देन ओपन योर आईज। And notice how good you feel. Ask your subconscious mind, give back the control to me, so that मैं अपनी आंखें खोलूं, I feel very good about it. और जब आपकी आंखें खुल जाए तो टाइप कीजिए कैसी लगी ये एक्सरसाइज, और टाइप कीजिए कितनों की आंखें नहीं खुली थी। नहीं खुली का अपन वर्ड देंगे NK। टाइप कीजिए NK, जिन NK, ओ गुड प्रीति, NK NK, ओह वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। देखिए हमने किया क्या, सबकॉन्शियस माइंड से मैंने आपके रेपो डेवलप किया, और मैं जो भी अब सबकॉन्शियस माइंड को बोलूंगा आपका सबकॉन्शियस करेगा, क्योंकि हर बार मैंने सबकॉन्शियस माइंड का रेपो डेवलप किया। तो अपने बिजनेस में और साइकोलॉजी में जो आप काम कर रहे हो, आपको पार्टिसिपेंट के सबकॉन्शियस माइंड के साथ रेपो डेवलप करना है। अगर रेपो डेवलप कर दिया, जो बोलोगे वो करके देंगे, आप समझ रहे हो बात? तो ये बुरी एडवांस टेक्निक है जिसका नाम है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन। इसकी हम 3 दिन की वर्कशॉप करते हैं, अभी रिसेंटली दिल्ली में किया था हमने, 40-50 लोग आए थे, लोगों ने। सर मेरे को किसी ने बीच में क्या बोला मैडम, जरा कहाँ गया ये, दिख नहीं रहा मेरे को, दिख नहीं रहा आपकी बात, आप अपने को अनम्यूट करके बोलेंगे मेरे को जरा। हेलो सर, मैं अनु बात कर रही हूँ। हाँ जी, एक्चुअली अभी हम जैसे ऑफिस में हैं, तो ममता मैम ने मुझे जस्ट अनु करके बोला, तो आप हमें वो फील करा रहे थे ना चीजें, तो मुझे बहुत हार्डली, मतलब बहुत हार्ड मैंने कोशिश की आंखें खोलने की, और एक बार आंख खुली जस्ट फॉर 1 सेकेंड और तभी कोई आईज बात क्लोज नहीं। हो गई थी। अरे वाह, वेरी गुड। देखिए सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग है। हम लोग कोई चीज कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं हैबिट में। तो जो हम अपनी टेक्निक हम करते हैं ना, हिडन रिसोर्स एक्टिविटीज हमारा ट्रेडमार्क है, इसमें हम पूरा टेक्निक बताते हैं। मिनटों में आप लोगों का स्ट्रेस निकाल सकते हो, नेगेटिव मेमोरी निकाल सकते हो, फियर एंड फोबियाज विद इन 5 मिनट्स और लेस, और सब ऑटोमेट करते हैं। NLP भी सिखाता हूं मैं, NLP के बहुत सारे टेक्निक हैं जिसको हम बार बार करना पड़ता है। हमारी HRE की टेक्निक से आप एक बार कर दो और बाद में उसको ऑटोमेशन कर दोगे,
दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हर चीज ऑटोमेट कर सकते हो। इसका ऑटोमेशन ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एचआरए का, और कोई भी पार्ट हमें चाहिए हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये अभी जैसे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, मुझे पता नहीं था क्या सिखाना है। मैडम से हल्की सी बात हुई कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो मीटिंग में आने के पहले 2 मिनट पहले मैंने सबकॉन्शियस माइंड को बोला, एक्टिवेट अ पार्ट इन साइड मी हु कैन हेल्प साइकोलॉजी स्टूडेंट टू लर्न समथिंग न्यू एंड विच दे कैन यूज। मैं इस तरह से नहीं सिखाता हूँ, लेकिन मैंने किया तो क्या हुआ, आप नोटिस किया, मैंने कहीं भी मैं रुका नहीं, कहीं भी सब फ्लो एकदम फर्स्ट क्लास आया। और मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता दिया कैसे काम करता है, चार पांच चीजें मैंने आपको, मेमोरीज कैसे सब काम करती है, बचपन की मेमोरी दोस्त की बताया मैंने आपको, एग्जाम्पल देंगे। तीसरी चीज मैंने क्या बताया आपको, लेयर्स कैसे बनते हैं। चौथा मैंने कैसे फटाफट एक्टिवेट होता है मेमोरी के साथ में, इमोशन कैसे जुड़ता है वो मैंने बताया आपको। और मैंने आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मेमोरी एक्सपीरियंस करके बता दी, और उसके बाद में कॉन्फिडेंस का ट्रिगर दे दिया। और मैंने आपको खाली डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को बोलने से, तरीके से बोलने से, स्पेसिफिक तरीके से जो हम सिखाते हैं वर्कशॉप में, वो करके बोलोगे तो कोई भी पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। एक एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी जो मेन लीडर है, शी मेक्स $20 मिलियन ए ईयर। $20 मिलियन है, आप कैलकुलेट करना, 1 मेल का 8-9 करोड़ रुपए, तो 20 का कितना वो साल में कमाती है। मेरी फ्रेंड है और मैं भी एमएलएम में किसी टाइम में था, तो मेरे पीछे लगी थी ट्रेनिंग देने के लिए। तो मेरे को बोला उन्होंने कि सर आप हमारी टीम के लिए एक एचआरए की टेक्निक दीजिए जिससे दे कैन डू गुड बिजनेस। हम मिनटों में बिलीफ चेंज कर देते हैं लोगों का, मिनटों में बिलीफ चेंज करते हैं इस टेक्निक से, मिनट ज्यादा बोल दिया, सेकेंड्स में करते हैं। तो उसने मेरे को 8:30 बजे का, 8 बजे का टाइम दिया इवनिंग का, उनका मॉर्निंग होता है, तो मैंने टाइम दिया। मेरा कजन आ गए, वो कजन का नाम बताता हूँ बाद में बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो नहीं बताऊंगा। तो मेरा कजन है वो आ गया, गर्मी का मौसम था, बोले यार 5-6 बजे आ गया, बियर पियेंगे। मैं बोले यार मेरी मीटिंग है, अरे बियर से क्या होता है। तो हम दोनों ने दो दो बोतल बियर मार दी, आप समझ रहे हो। अब मैं बियर पीता नहीं तो बियर चढ़ गई मेरे को। अब मैं बोला यार मीटिंग करनी है तो इज्जत चली जाएगी अपनी। लैपटॉप मैंने ऑन किया, जूम मैंने ऑन किया, 1 मिनट आंख बंद की और सबकॉन्शियस माइंड को बोला एक्टिवेट द बेस्ट प्रेजेंटर इनसाइड मी राइट नाउ सो दैट एवरीबॉडी एंजॉय एंड लर्न। उसकी रिकॉर्डिंग करी मैंने, इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन हुई और कहीं किसी को पता नहीं कि मैं टूल हूँ। उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने अपने 4-5 दोस्तों को भेजी, खाली मेरे को बताओ यार कैसी लगी। सबने बोला बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी। जब बढ़िया लगी तुमको पता है मैं टूल था, बता क्या बोला, आगे से टुल करके ही ट्रेनिंग दो। माइंड इतना पावरफुल है, इसमें आप पेन रिलीज कर सकते हो मिनटों के अंदर में, हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हो। मेरी वर्कशॉप में लास्ट टाइम एक आदमी आया था जो 2 बोतल विस्की की रोज पीता था, एक ही दिन में छोड़ दी उसने, क्योंकि तो ये सब पार्ट है अंदर, पीने वाला पार्ट है, उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट को हम हैंडल किया और उसको पॉजिटिव दे दिया और काम दूसरा पार्ट एक्टिवेट कर दिया। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन की। अभी हमारा 19, 20, 21 तारीख को हैदराबाद में भी 3 दिन का वर्कशॉप है ऑफलाइन, ये ऑनलाइन नहीं सिखाते क्योंकि हम ये सर्टिफिकेट कोर्स है, लाइसेंस प्रैक्टिस कोर्स है, तो हम जो सिखाते हैं ये हमारे सामने प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक जो मैंने अभी कराया ना, ये आपको ये सब बताऊंगा क्यों कराया, कैसे कराया, क्या वर्ड यूज किया, और फिर आप आपस में प्रैक्टिस करके सीखोगे। और लंच के पहले कई लोगों की नेगेटिव मेमोरी निकाल चुके होते हैं। तो ये पावरफुल कोर्स हम रेगुलर कर रहे हैं आजकल, हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, इस बार इंग्लिश में हो रहा है। दिल्ली में हिंदी में किया था हमने, करीब 40-45 लोग आए थे। अहमदाबाद में एक वहाँ आया था बॉडी बिल्डर जबरदस्त, हांगकांग से एक आया था, ऑस्ट्रेलिया से, हांगकांग से आया था, उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, मैंने मिनटों में निकाले। उसके वीडियो अगर होगा तो मैं यूट्यूब में डालूंगा। तो जिस किसी को भी अगर आगे कुछ सीखना हो मैडम से बात करो। वैसे मैं अपना नंबर दे देता हूँ ऑफिस का, अजमत जी नंबर टाइप कर देंगे अपना, 7075186100। किसी को भी इंटरेस्ट हो तो हमें कॉल करना। और मेरी वेबसाइट है प्रदीप अग्रवाल, अजमत ने टाइप कर दिया, नोट कर लीजिए। अजमत जी अपना दूसरा नंबर भी दे दीजिए ऑफिस का, 880 वाला, और वेबसाइट भी दे दीजिए अपना विथ लिंक। और मैडम को मैं एडवाइस करूंगा कि जितने भी लोगों ने अटेंड किया है, मैं एक अजमत जी आपको ग्रुप का लिंक भेजेंगे बना के, एक अपना ग्रुप बना लीजिए, उसके अंदर जो कभी किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। अब बताइए, टाइप कीजिए आप लोगों को, एक एक करके आगे बताइए मेरे को कैमरा ऑन करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेनिंग आज का। करीब करीब 1 घंटा हमने लिया है, 1 घंटे का माइंड प्रोग्राम किया था, 1 घंटे में खत्म कर दिया। आप आगे बताइए कैसा लगा, तो अपने को अनम्यूट करके आइए। अजमेर जी सबको अनम्यूट कर दीजिए आप।
एक एक करके बताइए। सबसे पहले तो उलेमा जी बताएगी, क्योंकि ये सबसे फास्ट है सब मामलों में। क्यों उलेमा जी, ठीक बोला ना मैंने? मैं आपको लाता हूँ सामने। हाँ जी उलेमा जी बोलिए, कैसा लगा आपको? ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं, आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अजमल जी ऑन कर दो सबको अनम्यूट करने के लिए, अनम्यूट एवरीबॉडी। आपने तो पीछे ग्रीन स्क्रीन भी लगा रखा है, शूटिंग वूटिंग करते हो क्या मैडम? आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ जी, ऑफिस में बच्चे ना ऑफिस में हैं अभी, तो ऑफिस में एक कॉर्नर में ऐसा ग्रीन शीट लगा रखा है, हाँ ये मैं हट गया देखिए कि वो बड़ा शूटिंग नहीं लगा अच्छा। रखा, मेरे पास भी ग्रीन स्क्रीन था, मैंने हटा दिया। आपके कुछ हाँ वीडियोस में देखा मैंने, तो हाँ नॉर्मल बात होती है सर। हाँ मतलब मुझे ऐसा हो देखिए, रहा है कि या तो हम आपके पास पहुंच जाएं या आप हमारे पास आ जाएं किसी भी तरीके से, और कुछ जो छोटा मोटा ऑनलाइन। मेरे को बुलाने का आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं, और आने जाने का कम से कम 30 लोग होने चाहिए, तब आएंगे हम। और हमारे पास तो नहीं, कक्षा हो रही है, 2 भी आ जाए, 4 भी। हम लोग मैं सीखूंगी कि वो कैसे मैनिफेस्ट करूं कि वो आपको हम यहाँ इनवाइट करें और मेरे पास मोर देन 50 का स्ट्रेंथ हो। मैं आप एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप, हाउ कैन आई ब्रिंग प्रदीप अग्रवाल टू हिसार विथ 30 पेड स्टूडेंट्स एंड ही मेक गुड मनी एंड गिव अ गुड ट्रेनिंग? ये क्वेश्चन पूछो, आंसर आ जाएगा। हाँ उलेमा जी, आप कुछ बोल रहे थे मैडम, आइए बोलिए आप। तो अच्छा लग रहा है, मतलब काफी लाइट फील हो रहा है और ऐसा लगा कि मेरे माइंड पे कंट्रोल है। तो कई बार ये एक मिनट मैडम, नेगेटिव आपको मैं निकालता हूँ, आपको लेता हूँ। अनु अनु जी आ गए, अनु जी बोलते हैं। हाँ अनु जी बोलिए। इसकी वो लगा रहे हैं, बच्चे आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है आवाज, आ रही है आपको आवाज, आ रही है आपके भी। अब आ गई है बाकी सब। कौन सी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया लगी आपको, ये बताइए। ये सर कि एक चीज फिक्स कर देते हैं अपने इमोशंस के साथ में, और उसको जब यूज करना था हम उसको निकाल लेते हैं, लाइक एक कंट्रोल हो जाता है कि अब कंप्यूटर प्रोग्राम ही हम नहीं करते कि भी प्रोग्राम डाल दिया वो वापिस आ रहा है, तो ऐसे कंफ्यूजन से नहीं होती माइंड में। वो अच्छा लगा काफी ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड, आप तो एकदम हरियाणा की लगती हो बोली से। हाँ हाँ सर, हरियाणा की हूँ, निसार। एकदम भाषा आपके हरियाणा वाली है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको जो नेगेटिव मेमोरी है, आपको जो उसके बारे में मैंने निकाला था, बार बार सोचोगे तो भी याद नहीं आएगी। हमने क्या किया है, पुरानी मेमोरी का पैटर्न तोड़ के नया पैटर्न लगा दिया है। अब आप ये सोचो, ये टेक्निक अगर आप किसी को साइकोलॉजी कर रहे हो, आप किसी को यूज करोगे तो कितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जल्दी रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि कम पैसे चार्ज करो। मैं 30 ही सेशन का 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ। 3 सेशन में थेरेपी करता हूँ, काम एक में हो जाता है, डिप्रेशन भी 1 ही सेशन में निकालता हूँ। वो एडवांस टेक्निक है, इसके बाद की ये बेसिक टेक्निक थी, कुछ एडवांस टेक्निक है जो बहुत फास्ट काम करती है, वो हम सिखाते हैं। और दूसरे में बात करेंगे। थैंक यू अनु जी, और कोई बात करना चाहेंगे? प्रीति जी आप बात करेंगे? मुस्कान जी, प्रीति नहीं सारे एक ही जगह बैठे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही समझ जी। सर, इंटर्नशिप की आज क्लास मतलब नॉर्मली चल रही है, तो कुछ बच्चे अपने घर से ज्वाइन कर रखा है और कुछ ऑफिस में है। वेरी गुड, चलिए बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके, फिर मिलते हैं जल्दी। और थैंक यू सुमन जी ये अपॉर्चुनिटी के लिए, और बहुत चीजें हैं लाइफ में सीखने के लिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं तैयार रहता हूँ, मेरी यहाँ पे आओगे ना कभी, मेरे ऑफिस के अंदर में बैठने की जगह नहीं है, इतनी किताबें हैं और रोज आती है, इतना सीखने के बाद भी रोज आती है। तो अभी आपको हम ग्रुप बना के मैडम के पास भेजेंगे, जितने लोगों ने अटेंड किया वही ग्रुप में ज्वाइन करें, जो लोग नहीं किया वो ज्वाइन ना करें ग्रुप में। तो जो भी क्वेश्चन होंगे हम बीच बीच में लेके बात करेंगे, और फिर कभी हमारी जूम की वर्कशॉप होगी कोई तो हम आपको लिंक भेजेंगे, आप जूम की वर्कशॉप में भी आना, पब्लिक वर्कशॉप होगी तो एंजॉय करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंजॉय एंड हैव फन एंड थिंक अबाउट दैट कॉन्फिडेंट फीलिंग एवरी टाइम एंड हैप्पी, थैंक बी यू हैप्पी एंड। सो थैंक मच, यू थैंक थैंक यू सो यू, मच सर, आपसे बात करके बहुत थैंक अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिए। यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सर। चलो बाय।